एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो, जिसमें हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ मेकअप और मेकअप के ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं, और आपको इनकी प्राइसेस भी बताई जाएंगी। या अगर आप लोग बाय करना चाहें तो इनको जो है ना लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे पास जो लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइमर। ठीक है, बेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो बेस्ट थिंग ज़रूरी चाहिए होती है वो है प्राइमर। तो यहाँ पे हमारे पास है ये प्राइमर, ऑयल फ्री स्किन के लिए है ये, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है आपको पता है। तो मुझे ऐसी ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो ऑयली स्किन पे सूट करें। ये लॉरियल वालों का है और बहुत ही अच्छा प्राइमर है, और ये ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा 700 to 800 की रेंज में। ठीक है, और 18 आवर्स तक जो है ना ऑयल कंट्रोल करता है, और ये वाकई ही करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया, अगर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इतना सा रह गया, ये सारी बोतल यूज़ हो चुकी हुई है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होती है मेकअप में वो होते हैं प्राइमर, ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो जो है ना वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। इसको लगाने से जो है ना पोर श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास है लॉरियल वालों का ऑयल फ्री प्राइमर, 18 आवर्स तक जो है ना वो मैट फिनिश देता है। 35 ml की बोतल है ये। अच्छा जी, तो प्राइमर तो हमने देख लिया कि कौन सा है। मेरे पास ऑयल फ्री प्राइमर है। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप अपनी स्किन के हिसाब से जो है ना प्राइमर चूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और इसके बाद जो सेकंड चीज़ चाहिए होती है मेकअप की लुक में वो होता है हमारे पास बेस। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन वालों की मैट फिनिश। ठीक है, ये है मैट फिनिश प्योर स्टे लिक्विड फाउंडेशन, 40 ml की है। और इसको लगाने से जो है ना आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और एक वाकई मैट फिनिश आता है इसको लगाने से। और ये शेड जो है ये हमारे पास है आइवोरी। ठीक है, लाइट स्किन कलर शेड है ये। आई थिंक मुझे आप लोगों को मिलेगी 500 to 600 की रेंज में। ठीक है, और ये भी बेस्ट है फॉर ऑयली स्किन। जी, तो उसके बाद बात कर लेते हैं, हमें चाहिए कम्पैक्ट पाउडर। एक बिल्कुल सिंपल जो रेगुलर वेयर वाली लुक होती है उसके लिए जो है ना हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरे पास ये है क्रिस्टाइन वालों का, ये भी आइवोरी शेड है, क्योंकि मेरी स्किन का शेड आइवोरी है, उसके साथ ये मैच करता है। तो आपको पता ही है कि क्रिस्टाइन की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, और ये ऑयली स्किन के लिए जो है ना बेस्ट है, सूटेबल है। इसको कलर उतर चुका हुआ है ऊपर से, तो ये अक्सर मैं यूज़ करती हूँ मैट फिनिश के लिए। उसके बाद जो है ना हमें चाहिए होगा ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन में भी मेरे पास क्रिस्टाइन वालों का ब्लश ऑन है, ये 2-in-1 है। इसमें ब्लश ऑन प्लस ब्रॉन्जर दोनों चीज़ें हैं, ये देखें जी। तो ये हमारे पास है क्रिस्टाइन वालों का ब्लश ऑन प्लस ब्रॉन्जर, और इससे जो है ना मैं अक्सर अपना क्या बोलते हैं कंटूर करती हूँ फेस को, भूल गया था मुझे। ठीक है, ये आप जो है ना अपने चीक्स पे और जा लाइन पे जो है ना वो लगा के अच्छे से कंटूर कर सकते हैं। शिंदी है, बहुत अच्छा लगता है लगाने से, और ये ब्लशिंग के तौर पे यूज़ हो सकता है। आई शेडो के तौर पे भी मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया ब्लशिंग। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हमें चाहिए होती है लिपस्टिक। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो डेली वेयर के लिए जो है ना वो मेरे पास ये है एक इंग्लिश वालों की। ठीक है, और इसका है लाइट पिंक शेड, बेबी पिंक शेड हो जाता है लग के, ये इस तरह से बिल्कुल लाइट सा, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप डार्क भी करेंगे तो इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, लाइट शेड ही रहता है। तो ये लिपस्टिक्स में से एक लिपस्टिक जो मैंने आपको डेली वेयर के लिए दिखाई है वो ये लाइट पिंक है। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों को ये जो है ना फाउंडेशन नहीं अगर आप लोग बाय कर सकते हैं या आपको मिलता नहीं है कहीं से, वैसे तो ये ऑनलाइन और लोकल मार्केट में बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, तो उसकी जगह पे आप जो है ना फेयर लवली का बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है और जो है ना बिल्कुल मेकअप की फिनिश देता है, तो ये वाला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 300 to 350 की रेंज में आपको मिल जाएगा, या मैक्सिमम 400 का, इससे ज़्यादा नहीं महंगा मिलेगा, तो ये भी डेली वेयर मेकअप लुक के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये मेरी एक्स्ट्रा डेली केयर की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो अच्छा ये 2 लिपस्टिक्स लिप्स पेंसिल्स हैं, ये तो मेरे लिए मस्ट है ना, क्योंकि मैं जो है ना मैट और ये जो कहते हैं लाइट लिपस्टिक लिप लाइन क्रिएट करने के लिए ना इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अक्सर मैं जो है ना लिपस्टिक के बजाय ना लिप पेंसिल ही यूज़ कर लेती हूँ कलर क्रिएट करने के लिए, तो इस तरह से ना जो नूड लिपस्टिक है ना उसके ऊपर ही पेंसिल जो कलर्ड पेंसिल है इस तरह से अप्लाई करके तो लिप शेड बना देती हूँ। ये भी बहुत प्यारा लगता है, मैट होता है ना तो मैट लुक जो होती है ना वो बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही प्यारी लगती है, तो ये 2 पेंसिल्स हैं मेरे पास जिनको मैं जो है ना रेगुलर वेयर के लिए यूज़ करती हूँ। और ये एक था जो है ना ओरिफ्लेम से मैंने मंगवाया था मैट मूज, ठीक है, इसका शेड जो है ना वो अच्छा नहीं आया क्योंकि मुझे था कि ये लाइट पिंक शेड होगा, लेकिन वो वैसा नहीं मिला, देखने में लाइट पिंक ही है लेकिन लगने में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक हो जाता है, भले इसकी आप पैकेजिंग देख लें कितनी अच्छी है, ओरिफ्लेम वालों की प्रोडक्ट्स नो डाउट अच्छी होती है, और ये गोल्डन में जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को, शेड है भी मैट लेकिन ये है कि स्किन टोन के साथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट ऐसे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन लिपस्टिक के तौर पे फोटो पे जब लगाए ना तो बिल्कुल झिनझोती लगता है, तो ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है मेरी स्किन पे या मेरे फेस पे, इतना सूट नहीं किया तो ये नहीं मैं लगाती। बाकी ये जो है ना रिवाज वालों का एक है लिप बाम, जो मोस्टली लिपस्टिक्स को जो मैट होती है उनको शाइन देने के लिए जो है ना वो मैं यूज़ कर लेती होती हूँ, रेगुलर वेयर भी करती हूँ क्योंकि आपको पता है समर विंटर आने वाला है तो जो आपके होंठ हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, तो ये ग्लॉसी सा है ग्लिटरी सा बहुत ही प्यारा है, ये 150 का मिला था मुझे। इसके अलावा मैं अपने DIYs भी बनाती रहती हूँ लिप ग्लॉसेस के, तो उसका एक ये पड़ा हुआ था मेरे पास DIY लिप ग्लॉस, रुक जाओ, हाँ ये थोड़ा रेडिश सा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लगा के, थोड़ी देर बाद इसका कलर आएगा जैसे ये फिंगर पे है ना, फिंगर पे बहुत जल्दी इसका कलर आया, यहाँ पे थोड़ी देर लगाएगा ये, तो ये भी मुझे जो है ना वो काफ़ी पसंद है मैं लगाती रहती हूँ। और इसके अलावा गार्नियर लाइट क्रीम जो है ना ये रेगुलर वेयर के लिए रखी हुई है ना, यहाँ पे रेगुलर वेयर कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो जो है ना मेरी स्किन तो ऑयली है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट करती है, और दूसरा ये कि इसमें नायसिनामाइड ऐड किया हुआ इन्होंने, और जो है ना विटामिन सी इसमें है, दूसरा इसमें है कि यूजा लेमन जो है ना स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यूज़फुल इंग्रेडिएंट है, तो वो इसमें उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया और वो बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसको लगाने से जो है ना मेरे डार्क स्पॉट्स जो अगर पिंपल्स की वजह से आए हुए होते हैं ना वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं, तो गार्नियर लाइट कंप्लीट और इस यूवी प्रोटेक्शन भी है तो और बेस्ट है, ये वाली जो है ना क्रीम मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर राशेल की क्रीम पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मैंने ली थी एज अ टेस्टिंग के मैं इसको लगाऊं, और ये था कि डे क्रीम थी, स्किन टोन को इवन करने के लिए थी, तो मैंने कहा चले ट्राई करते हैं अगर इससे जो
जो है ना कोई हमें बेनिफिट मिलता है। विटामिन सी था इसमें और प्लस नाइसिनामाइड था, वही जो सेम फार्मूला हमारे पास गार्नियर वालों का है, लेकिन ये मेरी स्किन पे सूट नहीं की थी। इसको लगाने से जो है ना मुझे अक्सर पिंपल हो जाए होते थे। डे क्रीम है तो अक्सर मेरी स्किन इतनी मैट भी नहीं होती थी, मतलब ऑयली ऑयली रहती थी बहुत ज़्यादा ना, तो इसका फार्मूला मुझे लगता है ऑयली है, इस वजह से मैंने लगाई भी है, यूज़ भी किया, देखें फिनिश हो गई हुई है। तो अब जो थोड़ी सी रह गई वो हाथों पैरों पे लगा लेती हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास था लेवेंडर का हाइड्रेटिंग मिस्ट, ये मैंने गलती की बाय करके खाटी वालों का, आई थिंक मेरे ख्याल में ये था काफ़ी महंगा था, 1000+ का था, और लिखा हुआ है इन्होंने कि इसमें क्या लेवेंडर है और ये एज अ सूदिंग मिस्ट यूज़ होता है स्किन पे सूदिंग इफेक्ट करने के लिए। और आपको पता है एक्नी पर्सन्स की स्किन जो है ना वो बहुत ही बर्निंग और इस तरह से इन्फ्लेमेटरी होती है, तो मैंने कहा चलो लेवेंडर है, सूदिंग है, तो लेते हैं इसको ट्राई करते हैं। तो इसने कोई ख़ास इफेक्ट नहीं किया, उल्टा इसको लगाने से ना बर्निंग सेंसेशंस होती थी स्किन पे। तो ये मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, इसको जो है ना बहुत अपीलिंग, बहुत ही नाइस पैकेजिंग, लेकिन शायद मेरी स्किन पे सूट नहीं किया, तो ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ। और ये टू क्रीम्स जो हैं ये मेरी एक्ने के लिए हैं। अक्सर जब भी कोई एक्ने या पिंपल वगैरह होना शुरू होता है तो जो है ना एट नाइट मैं ये अडैप्टो जेल यूज़ करती हूँ, और मॉर्निंग में जो है ना मैं क्लिंडा मैसन जेल यूज़ करती हूँ। इसका अलग से मैं रिव्यू करूँगी, आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताऊँगी अलग से वीडियो बना के, कि एक्ने पर्सन्स के लिए ये दोनों क्रीम्स कितनी ज़रूरी हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में इन दोनों क्रीम्स को तो ज़रूर ही रखना चाहिए। तो चलिए इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।